मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिले अपार जनसमर्थन के बाद अखिलेश यादव जनता के बीच जाकर उनका आभार जता रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव बिछवा की जनता को संबोधित करने पहुंचे। बिछवा क्षेत्र सुल्तानगंज के रामदयाल रामचंद्र इंटर कॉलेज में अखिलेश ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार को तानाशाही बताते हुए सपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया।